What is unlearning? Unlearning क्या होती है? खैर ये थोड़ी तनकीदी सी बात है कि मगरब जानी हुई अशिया को दोबारा से उनके नाम रखकर उसके गिर्द एक फील्ड बना देता है. न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और ऐसी चीजें जो सदियों से बुदा और कदीम तहजीबें करते आ रहे हैं और उसको दोबारा से एक नए नाम रख के जानने की कोशिश करते हैं. एनीवे, अनलर्निंग इज अ वेरी ओल्ड फिनोमेना जो इंसान सदियों से करते आ रहे हैं. लेकिन अनलर्निंग ये नहीं है कि पहले से जो जाना उसको मुकम्मल मिटा देना. थोड़ी सी बात को जरा फलसफे की दुनिया में जाकर समझने की कोशिश करते हैं. जॉन लॉक, जिन्होंने कहा था हमारा ज़हन इज अ टबुला रासा, बिल्कुल साफ प्लेट है और उस पर इंप्रेशन आ रहे होते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं. यानी कि बचपन से ही हमारे ज़हन में ढेर सारे इंप्रेशन आ जाते हैं जिनको हमें अनलर्न करना होता है एक बड़ी राय समझने के लिए. बच्चा बचपन में पानी को मम कहता है, थोड़ी देर से बाद वो उसको पानी कहता है. क्लास में जाता है केमिस्ट्री के टीचर से कहता है इट्स नॉट वाटर, इट्स H2O. और शायद वो कहीं समुंदर में जाता है तो उसको वो किसी और नाम से याद करता है. तो हमारी राय बदल रही होती है चीजों के ऊपर. इसके माने कि अनलर्निंग इज अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ लाइफ, इट्स नॉट सफिशिएंट कंडीशन ऑफ लाइफ. हमें अनलर्न करना है किसी भी चीज का असल जानने के लिए, वरना हम कभी भी उसका असल नहीं जान पाएंगे. बहुत खूबसूरत बात जो अहमद जावेद साहब ने की कि हम अनलर्निंग को समझते हैं कि पहले की चीज को बिल्कुल भूल जाए और रीलर्न करें. नहीं, अनलर्निंग है जानी हुई शय को दोबारा से जानने की कोशिश करना, जानी हुई शय को नए जाविये से देखने की कोशिश करना, जानी हुई शय को दोबारा जहन को मुतारिफ कराना, जानी हुई शय को जिसका अकल के अंदर एक ऑब्जेक्ट बन चुका है उसको दोबारा से एक अकली ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करना और उनको अलहदा अलहदा कमरों में अपने जहन में रखना, बल्कि यूं कहें कि उनके लिए फिर अलहदा फ्लोर बना देना कि इस फ्लोर पर मेरा तस्वुर किताब है, इस फ्लोर पर मेरा तस्वुर आसमान. अनलर्निंग इज एन एसेंशियल कंडीशन. और अनलर्न करने के माने कभी ये नहीं होते कि पहले की बात मुकम्मल तौर पर गलत थी. हम गलत बातों से गिर गिर के यहां तक पहुंचे. जावेद साहब की एक और बात याद आ गई, वो कहते हैं कि जब हम गिर रहे होते हैं तब हमारी रफ्तार सीधा चलने से ज्यादा तेज होती है. तो हम जानते हैं पटोलमी की थ्योरी गलत है, मगर उसके बगैर अगली थ्योरी बनती कैसे. तो अक्सर जो गलत थ्योरी जिनकी बुनियाद पर हम अपने आप को आज सही कह रहे होते हैं वो जरूरी होती है और हम अमूमन चीजों को उनके मुतजाद से पहचानने की कोशिश करते हैं. सो अनलर्न है जानी हुई शय को दोबारा से जानने की कोशिश करना. एक फिजिसिस्ट जब खुर्शीद को जानता है तो वो उसको एक उसके ऊपर एक उसको स्टार फिजिसिस्ट उसको स्टार कहते हैं और फिर कहते हैं कि उसके अंदर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फायर है, एनर्जी है, वो हमारे सोलर सिस्टम के स्पेस टाइम कर्व को मैनेज कर रहे हैं. अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो एकदम राय बदल जाएगी और सूरज वहीं रहेगा और आप एक नई राय लेंगे. और अगर आप किसी शायर के पास जाएंगे तो आपको एकदम सूरज के साथ एक उम्मीद मिलेगी. अलामा का शेर कोट कर लेते हैं कि जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं. तो वहां से आपको उसी सूरज के अंदर एक और ऑब्जेक्ट मिल जाएगा. तो अनलर्निंग का जो रियल फिनोमेना है वो यह है कि हम जानी हुई शय को फिर से जानने की कोशिश करें और पहले जो जाना हुआ है उसको थोड़ी देर मुअत्तल करके नए जाविये को सामने रखते हुए जहन को दोबारा वो शय मुतारिफ करें, जहन को री इंट्रोड्यूस करें उस ऑब्जेक्ट को एक न्यू वर्जिनिटी के साथ कि देखें कि जहन अब इसके ऊपर क्या राय देता है. क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि हम जैसे बड़े हो रहे होते हैं वैसे जहन भी बड़ा हो रहा होता है और जहन को अपनी रद्द करके बहुत तस्कीन मिलती है. तो इसी बात के साथ उम्मीद है कि आप अनलर्न करेंगे पहले के फैक्ट्स को और दोबारा से इस कायनात को देखेंगे आइंस्टाइन की तरह, स्टीफन हॉकिंग की तरह, रसल की तरह, ताकि किसी भी शय के जो दूसरे रूप हैं वो हमसे छुपे ना रह जाए.